Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. परी पैकर को तू अरेस्ट करेगा, अपने हाथों से हथकड़ी लगाएगा उसके हाथ में, सारा काम रुतबे और मर्तबे के हिसाब से होना चाहिए। जी मियां जी, पट्टी खोल इसकी, हाथ मैं खोलता हूं। यहां से 2 फरलांग पर तुझे रिक्शा मिल जाएगा, चल पहुंच परी पैकर के पास। छड़ के चले गए बेफार निकली। नहीं, गुम हो गए। वही बात हुई ना। बात कैसे? मोहब्बत की बस यही कहानी है सही लोका। जब कोई फरीक छड़ के ना जाए, कोई बेवफाई ना करे, तो मोहब्बत कैसे जिंदा रहेगी? सोनी मर गई, महवाल मर गया, हीर मर गई, रांझा मर गया, मोहब्बत करने वाले सारे मर गए, पर मोहब्बत नहीं मरी सही लोका, नहीं मरी। मोहब्बत का बस एक ही मिशन है सही लोका, किसी को मिलने नहीं देना, किसी को जीने नहीं देना। दो बार मोहब्बत की है ना तूने, अब करने की तो भरनी पड़ेगी ना सही लोका। क्या मतलब है? दूसरी बार मोहब्बत करना जायज नहीं है? मेरी तरफ से 10 बार मोहब्बत करो। मोहब्बत तो मेले में आई हुई बाह है, सजी निकल आए तो खबी डाल दो। आ,
चलो कार चलाएं। बस अब तू रोएगी तो मियाँ जी को भी रुलाएगी। देखने वाले समझेंगे, मौका बढ़े तो मियाँ जी बच्चों की तरह रोते हैं। ले जा इसको, शक्ल दिखा सुबैदा को, नहीं तो मर जाएगी वो। यार को एसपी साहब, मैं अपना पहला वादा पूरा करके आता हूं। जी बेहतर मियां जी। कौशल, मुझे पता था तू बहुत अच्छी है, तुझे मुझ पे रहम आ जाएगा। चल दरवाजा खोल। कौशल, वो कौशल, दरवाजा खोल। कौन? मियां जी वारिस अली। आइए मियां जी। ओ मियां जी, ओ मियां जी वारिस अली। जगा इसको, क्या दरवाजा खोले, रिहाई हो गई है इसकी। क्यों मियां जी? तू वापस आ गई तो इस कमीने को पकड़ के पुलिस के हवाले करें। पुलिस के हवाले ही करने लगा हूं। आ गए हैं वो लेने इसको। ये दरवाजा खुलवा दे मियां जी। मियां जी आगे हाथ जोड़ता हूं। मियां जी मैं तो अब तस्बीह करता हूं, नमाज पढ़ता हूं मियां जी, मंदिर से बड़ा डर लगता है मियां जी। दरवाजा खोलो और बाहर निकालो उसे। कसम खा दो मियां जी। आए बस बस बस। आए अच्छा बस ठीक है। नहीं मियां जी मैं इधर ही ठीक हूं। और कहा ना उठ, चल चल, रिहाई हो गई है तेरी। मतलब मैं चला जाऊं? जा और गायब हो जाना जरूर से। देखा मियां जी, मैं ना कहता था, मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं। परी पैकर को एक दिन मुझ पे रहम आ जाना है। रहम नहीं आया, तूबा वापस आ गई है। तूबा
वापस आ गई। देखा मियां जी, देखा पुत्री, 81 साल की उम्र में भी गुस्सा परी पैकर जितना है, हैं? मियां जी, दरवाजा बंद कर। ये आवाज़ें किसकी? थप्पड़ मारा है मियाँ जी ने। किसको? आतिफ को। आतिफ कहाँ है? गया। कहाँ गया? रिहाई हो गई उसकी। मतलब? तूबा वापस आ गई। मियाँ जी, इसे मियाँ जी कहाँ लेकर जा रहे हो? बस रिहा कर दिया इसे। रिहा इस तरह करते हैं मियाँ जी? गलमे से पकड़कर, बेआबरू करके? इज्जत से जाने दो, छोड़ दें गलमा। देख परी पैकर, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। बेअदबी की माफी मियाँ जी, पर बेगुनाह बेकसूर को इस तरह बेइज्जत करना ठीक नहीं है। कलमा छोड़ दें इसका। चल हट जा। इसे मैंने एसपी साहब के हवाले करना है। नहीं मियाँ जी, इसे आपने मेरे हवाले करना है। देख परी पैकर, तूबा वापस आ गई है, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप तो इस तरह कह रहे हो मियाँ जी, जैसे 2 दिन के लिए कर्जा लिया इसने और आज वादे के मुताबिक वापस कर दिया। मैं जो कह रहा हूं, वो कर पुत्री। मैंने एसपी साहब को जुबान दी है। आपका क्या? सिर्फ माथे पे मियाँ जी, बताओ क्या जबान दी आपने? तूबा के मिलते ही आतिफ को उनके हवाले करूंगा। फिर ये तो ना कहो जबान दी है मियाँ जी, ये कौन है जुबान के पुलेके अपनी आन दे दी है? चलो आपकी जबान का पास कर लेता हूं। करो इसको एसपी साहब के हवाले। सुबह लो एसपी साहब, अपना मुलजम। कड़ी लगाओ इसको। जाओ एसपी साहब,
मियां जी ने अपना वादा पूरा कर दिया। लगा कड़ी। ओ मर गया मियां जी। मर गया एसपी साहब, मर गया। उठाओ इसे और हॉस्पिटल लेके चलो। ठहरो। मर गया। इससे अच्छा था बजरों के पिंजरे में ही रहता। तू माँ, ओ मुझे बचा ले तू माँ। तू। अब ले जाओ। उठाओ इसे और हॉस्पिटल लेके चलो। और आराम से ले जाओ। आराम से क्या? मैं मर गया। बड़ी दर्द हो रही है मियां जी। अच्छे लग रहे हो। उस दूल्हे से भी ज्यादा अच्छे जो हाथ में सोने की गानी पहनता है। चलो। Thank you very much. क्यों मिया जी, है ना मर्द का बच्चा? मैंने तो उसे कहा था तुझे किसी की बददुआ लग गई, किसी बड़े का दिल दुखाया है तूने। बददुआ नहीं लगी बाजी, उसे दुआ लगी है मेरी, उन सब लड़कियों की दुआ जिनका ईमान है कि आबरू बच जाए, चाहे सारा शहर मर जाए उसके लिए। देखा नहीं हथकड़ी कैसे सज रही थी उसके हाथ पे, कैसे बांका सजीला सोना लग रहा था वो। या खुदाया, मर्द की निशानी बताओ पप्पू। मैं बताऊं? एक ही निशानी है बस, मर्द वो जो इज्जत के लिए जिए और गैरत के लिए मर जाए।
आतिफ मर गया तो आपके मुंह में घी शक्कर, उसे जेल भी हो सकती है, फांसी भी लग सकता है, वो आपके मुंह में कुछ नहीं होगा उसे। सो जाओ, चलो। सो कैसे जाऊं, वो हवालात गया है, फुप्पो कहती हैं जेल हो जाएगी उसे, फांसी भी लग सकता है। चल वजू कर, नमाज पढ़, दुआ करके आते हैं बच जाए। तू सो जा, मैं दुआ करती हूँ। देख लेना पप्पू, दुआ ऐसी के मुंह से निकले और पूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसी, बल्कि ऐसी कि नींद से जागूं तो सामने खड़ा हो। चल। कितने बजे जागूं पप्पू? नींद पूरी हो जाए तब। वो जल्दी आ जाए तो जल्दी जगा देना मुझे। हाँ हाँ, वो जैसे ही आएगा मैं जगा दूंगी, ठीक है? थैंक यू पप्पू। सुबैदा, चल जाके इसके कपड़े चेंज करा और इसे सुला दे। चल शाबाश। अच्छा। वो है ना चेदा टाम? हाँ। उसको ढूंढ फौरन से पहले। समय ढूंढ लिया। ढूंढ लिया तो गोलियां मार उसकी टांगों पर, गिरे तो दो हाथों पे मार कि चतरों में कहीं उसका हाथ ना लग गया हो तुबा को। समझ, गोलियां मार दी। मार दिए हैं तो बता एसपी साहब को, एसएचओ से क्या हवालात में डाले तुझे। आ जा, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा मेरा। मजीद, ओ मजीद। जी सर। हवालात का दरवाजा खुलवाओ। ठीक है सर। हटो यहां से, चलो निकलो। ओ थाने साहब, ये किधर किधर? परी परी पैकर, ओ किधर लेके जा रहे हो? ये क्या हो रहा था अंदर साहब? अल्लाह जाने क्या हो रहा, मुझे बस ये बताया गया कि तेरा थाना छोटा और मुजरिम बड़ा है। और थाने दर... और चाल चल रही। चाय ठीक है? इसी बात का डर था मुझे, तुबा वापस भी आ जाए तो परी पैकर आतिफ को खाली हाथ नहीं जाने देगा। खाली हाथ मतलब? तोहफा देकर भेजेगा उसे, चाहे तोहफे में दो गोलियां क्यों ना दे दे। गुंडा है ना, फितरत नहीं बदल सकती उसकी। नहीं कौसर बतूल, गुंडा नहीं है वो। आज मैं समझी हूं, बुरा है कमीना, अकड़ वाला है, बदतमीज है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर गुंडा नहीं हो। तुम्हें पता है तूबा ने मुझे कहा
थैंक यू वेरी मच। पता है क्यों कहा? क्योंकि मैंने परी पैकर उसे दे दिया। मौका नहीं था वरना मैं हंस पड़ती। लो भला, परी पैकर मेरे किस काम का, मैं क्या करती उसका? 4 बजने वाले, 4 घंटे बाकी हैं अभी। 4 घंटे बाद क्या होगा? 8 बजे खुलती हैं अदालतें। जमानत नहीं करानी उसे? जमानत हो जाएगी तो फिर उसे दे दूंगी तूबा को, और फिर वो कहेगी थैंक यू वेरी मच। Thank you.